नमस्ते, वंदे गौ मातरम आप सभी को। आज हम मानसरोवर पंचगव्य फाउंडेशन, या ऐसे कहूँ मानसरोवर पंचगव्य गुरुकुल एवं गौशाला में गौ माता के जो है गोबर से, गोबर का अर्थ है कि गौ माने गाय और ओवर माने श्रेष्ठ, गाय की श्रेष्ठ वस्तु से आज हम कंडे, अलग अलग भाषाओं में या अलग अलग राज्य की जो भाषाएं उनमें अलग अलग नाम से जाना जाता है, आज हम कहीं कंडे बोलते हैं, पंजाब में छाना बोलते हैं, कहीं उखले बोलते हैं, गोशे बोलते हैं, वो बना रहे हैं। क्योंकि गाय का जो गोबर है, इस सृष्टि पे गाय के गोबर से ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल किसी के पास नहीं है। और आचार्य चरक ने चरक संहिता के 28वें अध्याय में ये लिखा है कि वायु ही आयु है, माने अगर शुद्ध हवा आपको चाहिए तो गाय का गोबर खाना पड़ेगा, गाय का गोबर खाना पड़ेगा। अर्थात गाय के गोबर से जो कंडे बनते हैं, वो कंडों को बना के उनको फिर सुखा के, फिर सूखने के बाद ये ऐसे बन जाएंगे। तो कुछ थोड़े बड़े भी हैं, कुछ थोड़े छोटे भी हैं, छोटे छोटे पीस भी हैं, जो हम इनको अपनी गौशाला और गुरुकुल से जो है हवन के लिए, यज्ञ के लिए, कई जगह लोग हमसे जो है मंदिरों में लेके जाते हैं, कई धार्मिक स्थलों पे जब वो वायु को शुद्ध करने के लिए जो है उनको गाय के गोबर की आवश्यकता होती है, तो कंडे हम उनको पहुंचाते हैं। तो हम इसको बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जब ये सूख जाएगा फिर इसको गाय के घी से ही जलाया जाएगा। जलाने के बाद फिर इसको छान के एक प्रोसेस से भस्म बनाई जाएगी, गौ में भस्म जिसको हम बोलते हैं। तो जो गौ में भस्म है, इसमें लगभग ये लैब रिपोर्ट भी हमारे पास है, अगर किसी को चाहिए तो समय पे हम उनको जो है समय समय पे भेजते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जिसमें 46.6 यानी कि 46.6% ऑक्सीजन का लेवल है, और इस संपूर्ण धरातल पे 21% ही ऑक्सीजन है, 21 से ज़्यादा नहीं है। व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 21% चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। तो इसलिए ये भस्म बहुत ही अद्भुत है, इसको हम जो गाय के घी से ही जला के जो है बनाएंगे। तो यही मेरा आप सभी से जो है आग्रह है या निवेदन है कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करिए और गाय को अपने सानिध्य में रखिए। वंदे गौ मातरम। और इसको एक बार मैं बता देता हूँ, इसको पीने का जो प्रोसेस है या इसको कैसे उपयोग लिया जाता है, ये जो भस्म बन गई है इसको एक गिलास पानी में एक चम्मच डाल के 15 से 20 मिनट आप रख दो। उसके बाद ऊपर से इसको, ऊपर से माने इसका कुछ कण नीचे बैठ जाएंगे, उनको छोड़ दो, ऊपर से वो पानी पी लो, तो इसमें 46.6% जो है ऑक्सीजन का लेवल है। और इस शरीर को अगर जिंदा रखना है तो बिना हवा के तो कल्पना ही मत करना, क्योंकि बिना शुद्ध वायु के ये जिंदा नहीं रह सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।